Good morning. Today's morning hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is at Ang 637 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand, so that we can implement in our day-to-day life. Sat Naam Shri Vaheguru Sahib Ji, Sorat Mahalla Tija, Kar Pehla Tithu Ki Ikyumkar Sat Guru Parsad. Bhagta Ki Sada Tu Rakhda Har Jiyo Tur Tu Rakhda Aya. Prahlad Jan Tud Rakh Lay Har Jiyo Har Nakas Mar Pachaya. Gurmukha No Pratit Hai Har Jiyo Manmukh Param Pulaya. Which means, हे हरि तू अपने भक्तों की इज्जत रखता है जदों तो ये जगत बनया है तदों तो तू भक्तों की इज्जत रखता आ रहा है हे हरि प्रहलाद भगत वर्गे अनेक सेवकों की तू इज्जत रखी है हरनाकस नू मार के मुका दिता जेड़े मनुख गुरु के सन्मुख रहिंदे हन उन्हां नू निश्चय हुंदा है कि तू अपने भक्तों की इज्जत बचांदा है पर अपने मन के पिछे तुरन वाले मनुख पटकना विच पै के कुराए पे रहिंदे हन नाउ लेट्स रिलेट दिस विद आवर डे टू डे लाइफ सो दैट वी कैन इंप्लीमेंट इट टूडे सबसे पहले समझते हैं वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन मनमुख एंड सन्मुख सन्मुख वो होता है द वन हु ऑर्डर्स हिज वर्ड हिज ऑल एक्शंस आर अलाइन टू हिज पॉसिबिलिटी जो वो प्लान करता है वो फिर उसके हिसाब से चलता है ही डजेंट गिव मच इम्पॉर्टेंस टू हिज थॉट्स एंड इमोशंस जो कि एक मशीनरी की तरह आते रहते हैं वो अपनी पॉसिबिलिटी पे फोकस करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करता है ही सन्मुख ही ऑनर्स हिज वर्ड वो कॉन्सेंट्रेशन से काम कर रहा है कॉन्शियस होके काम करता है एंड हु इज मनमुख जो मन के पीछे भटकता रहता है प्लानिंग तो वो भी करेगा ड्रीम्स तो वो भी देखेगा डिजायर्स तो कुछ उसकी भी होंगी बट फिर उसका पूरा दिन कैसे बीतता है वाइलिंग अवे हेयर एंड देयर किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो वो लंबी कॉन्वर्सेशन में पड़ गए जिसका कोई मतलब जिसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव है ही नहीं टीवी और इंटरनेट में इनग्रॉस्ड हो गए जिसकी कुछ आउटपुट ही नहीं है सो हिज एक्शंस आर नॉट अलाइन टूवर्ड्स हिज पॉसिबिलिटी सो सिमिलरली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू फादर एंड सन हरनाकस एंड प्रहलाद हरनाकश्यप को एक ही हैड अक्वायर्ड अ बून दैट वो ना बाहर मर सकता है ना अंदर मर सकता है ना दिन में मर सकता है ना रात में मर सकता है और ना उसको कोई मेटल मार सकता है ना उसको कोई वुडन का कुछ गैजेट मार सकता है सो अब वो सारी चीज़ें अपने मन के पीछे करने लगा जो उसका मन करता था वो करता था सो ही स्टार्टेड रूलिंग रेकलेसली एंड रूथलेसली उसके सारे एक्शंस बहुत बुराई की तरफ थे ऑन द कंट्रेरी हिज सन ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु वो पूरा दिन चैंट करता था और फादर को ये पसंद नहीं था तो उसने अपने बेटे को किस किस तरह से मारने की कोशिश करी उसको बॉइलिंग वाटर में गिराने की कोशिश करी क्लिफ के ऊपर से नीचे गिराने की कोशिश करी सो ही अडॉप्टेड वेरियस मेजर्स कि वो उसका बेटा जो है वो मर जाए बट एट द एंड व्हाट हैपेंस लेट मी नॉट गो इन दिस स्टोरी इन डिटेल व्हाट हैपेंस लॉर्ड विष्णु पिलर के अंदर से आके उसको क्लॉ से मारते हैं सो ही हैड एक्वायर्ड अ बून दैट ही कांट डाई इन द मॉर्निंग एंड नाइट तो वो टाइम क्या था वो ट्वाइलाइट था तो उस टाइम उसकी डेथ होती है दैट टू विद द क्लॉ सो मनमुख दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन मनमुख एंड सन्मुख प्रहलाद वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु टोटली ही यूज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द गुड एंड ही यूज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द बैड So if you desire to do something, there shouldn't be a gap in the implementation. Jo kehte ho, wo karo. Otherwise, you will deplete your power and you will postpone your success. And what will ensure your success? Commitment, responsibility. Jo kehte ho, karo. Decision, commitment and responsibility. Usse kaam karo. Don't give too much importance to your thoughts and emotions. Kyunki ye to ek machinery hai.
दे आर अफेक्टेड बाय द आउटसाइड वर्ल्ड. तो वो जैसे जैसे हमारा माइंड कंडीशन होता है वैसे वैसे हमारे थॉट्स और इमोशंस हम पे हावी होते रहते हैं. सो डोंट गिव टू मच इम्पॉर्टेंस टू योर थॉट्स एंड इमोशंस. जो कहते हो वो करो, ऑनर योर वर्ड. सो लेट्स डू वन असाइनमेंट टुडे. आज आप पूरा दिन, आपके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आप पोस्टपोन करते आ रहे हो, उसको थॉट्स एंड इमोशंस में नहीं जाना, बस उस काम को अकम्प्लिश करना है विद कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लान करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और कमिटमेंट के साथ उस पर एक्शन लो. सो डू दिस, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय. वाहे गुरु.